हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका वैष्णव प्रसादम रेसिपीज में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ठाकुर जी के लिए बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल हलवा, इसे अनानास का हलवा भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम ठाकुर जी के लिए अनानास का हलवा बनाना शुरू करते हैं। लगभग मैंने ये एक कटोरी के आसपास घी डाला है और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कटोरी सूजी, जिसे आप रवा भी कहते हैं, और मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया था, इसीलिए मैंने आपको 1 कटोरी पहले से ही बता दिया है। तो बस अभी हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसमें घी जितना ज़्यादा डलता है ये रेसिपी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर लगभग जो है 350 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास मेरे पास ही अनानास रहा होगा, तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और अनानास को आप बहुत ज़्यादा भी बारीक मत करिएगा, इतना ही रहने दीजिएगा, या फिर इसे थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनानास जो है कट चुका है, और सूजी को मैं घी में अच्छी तरह से भून रही हूँ, और ये मैंने बिल्कुल लो आंच पर मैं भून रही हूँ, और बीच बीच में बस मैं इसे चलाती जा रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग आधे घंटे के बाद जो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो कलर हो गया है सूजी का। और सूजी का हलवा तो सभी को बनाना आता है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल ऐड हो जाता है, तो इस वजह से इसमें फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो बस अभी हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, और थोड़ा सा अभी और मैं वेट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं हल्का सा और ब्राउन हो गया है, बस इतने तक ही मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, और इसके बाद मैं इसमें जो आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करना स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से जितना मुझे भूनना था मैं उतना भून चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने ऐड करी है लगभग 1.5 कटोरी के आसपास चीनी, और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शुगर इसमें जो मिठास कम लगी थी भोग लगाने के बाद मैंने फिर ऐड नहीं की थी, लेकिन आप चाहें तो इसमें 2 कटोरी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पाइनएप्पल का जो खट्टापन हल्का सा आता है तो उससे जो मीठा कम हो जाता है। और आजकल वैसे भी विंटर्स चल रही हैं, तो ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ मीठा बनता रहता है, कभी गाजर का हलवा, कभी आटे का, या फिर सूजी का हलवा, कभी बेसन का हलवा। तो आप ये हलवा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ठाकुर जी के लिए, आई होप उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ये देखने में तो ऑरेंज है लेकिन इसका जो कलर आएगा वो येलो आएगा, और आप देखना जब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ना तभी इसमें जो है येलो कलर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पाइनएप्पल, और इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटिएगा, अदरवाइज जब इसमें बॉईल आएगा ना तो ये जो पाइनएप्पल के टुकड़े एकदम घुल जाएंगे, और जिस प्रकार से हमें इसका जो टेक्सचर चाहिए ना हलवे का वो नहीं आ पाएगा। और आप चाहें तो इससे हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं, उससे कोई भी हलवे में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, और फिर तुरंत इसमें हमें पानी ऐड कर लेना है, और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से बॉयल डलवाना है, और लेकिन बॉयल भी हमें जो है कम आँच पे ही डलवाना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि छींटें बहुत ज़्यादा आती हैं, आप सभी को मालूम है, आप सभी हलवा बनाते होंगे और आपको मालूम भी होगा कि गर्म पानी डालने से बहुत ज़्यादा जो है हलवा जो है ज़्यादा छिटकता नहीं है बाहर की तरफ, और गैस भी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, और काम भी थोड़ा सा कम हो जाता है क्लीनिंग का। तो बस अभी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं हमने डाले है सूजी, चीनी, और फूड कलर डाला था एक येलो कलर का, और इसमें डाल दिए अनानास, और पानी ऐड कर दिया है हमने गरम, और इसको मैं बिल्कुल कम आंच पे रख कर पकाऊँगी। इसको पकने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा, और इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर आएगा आप देखना। तो बस आप देख रहे हैं पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और इसको आराम से पकने दीजिए, और बीच बीच में हल्का हल्का सा इसको चलाते रहिए। और आज भी मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा,
क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है, और अभी मेरा गला पहले से तो ठीक है, और इसी वजह से मैं थोड़े दिन से एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा गला एकदम ही बंद हो गया था, आवाज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही थी। तो आज मेरी थोड़ी सी वॉइस निकली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा ओवर वॉइस कर लेती हूँ और आप तक कोई ना कोई वीडियो पहुँचा देती हूँ। तो बस अभी मैं ये जो हलवा है इसे बार बार चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले से ये गाढ़ा हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और येलो कलर आप देख सकते हैं, पहले येलोइश कलर्स में नहीं था और अभी ये बिल्कुल येलो हो चुका है, और पाइनएप्पल के टुकड़े भी आपको इसमें दिख रहे हैं। और दूसरी साइड पे आप पतीले में देख रहे हैं, वो थोड़ी सी खिचड़ी है, और मॉर्निंग में मैंने उस दिन खिचड़ी बनाई थी। तो बस धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिम पर मैंने पकाया है, और लगभग मैंने आधा घंटा तक पकाया, आधा घंटे से 40 मिनट तक, तब जाके जो है ये हलवा पका है। तो जल्दी जल्दी बिल्कुल भी ना करें, ठाकुर जी के लिए जब भी कोई भी भोग बनाए तो उसमें जल्दीबाजी ना करें, बहुत ही आराम से धैर्य से प्रेम पूर्वक बनाएं, ताकि ठाकुर जी जो है उस भोग का आनंद ले सकें। और हमेशा ये सोचकर बनाएं कि ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, है ना। तो चलिए अभी हम जो है इस गैस को बंद कर देते हैं, और इसे अभी सर्विंग के लिए एक बाउल में पलट लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का पात्र ले लिया है, और ये जो हांडी है ये प्रभु जी लगभग 6 महीने पहले आई थिंक लाए थे, और आप सभी ने जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर है सब ने वो व्लॉग भी देखा था, जिसमें मैंने कचौड़ी, जलेबी और गुलाब जामुन, आप सबको मालूम है जो सुक्तो, जो प्रोपाद जी का फेवरेट जो रेसिपीज़ मैंने बनाई थी, तो उस समय पर प्रभु जी हांडियाँ लेकर के आए थे, तो तब से मैंने ये संभाल के रखी हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जगन्नाथ जी को इसी में ही अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊं। और आप सब कहते भी हैं कि माता जी मिट्टी के पात्र यूज़ कर सकते हैं, तो यस, मैं धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हूँ किचन में। मैंने अल्मोनियम के बर्तन भी जो है खुद से ही मैंने पिछले साल से ही कम करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी एक या दो ही बर्तन मेरे पास रह गए हैं, और धीरे धीरे मैं सब चीज़ें जो है स्टील की ही ले रही हूँ, और मिट्टी के पात्र भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी एक एक करके। और यस, मुझे भी जो मिट्टी के पात्र में कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास एक है, तो मैं आप सभी के साथ जब भी मैं इस तरह की सात्विक रेसिपीज़ बनाऊँगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर राधिका भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं उसके छोटे छोटे हाथ, और राधिका भी जो है ठाकुर जी के लिए डेकोरेशन कर रही है, और राधिका को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें करती रहती है, और आपको दिखा भी रही थी, वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ बना के रही थी, मुझे भी नहीं मालूम है कि उसने किस तरह से बनाया है ये, और मैं उससे बाद में पूछ भी रही थी आपने कैसे बनाया है। तो बस राधिका बहुत खुश है, और राधिका ने ही इस जो पाइनएप्पल हलवे को भोग लगाया था, और ये बहुत ही अच्छा बना था। तो चलिए अभी हम इस रेसिपी को भोग लगा लेते हैं ठाकुर जी को। और यहाँ पर राधिका आपको अपना DIY दिखा रही है, और राधिका को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी नहीं मालूम है कि राधिका ने ये किस तरह से बनाया है, इसने कुछ रोटेटिंग पल्स वाला कुछ बनाया है। और यहाँ पर राधिका जो है भोग लगा चुकी है। आज का हम ये वैष्णव प्रसादम रेसिपी व्लॉग यहीं एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी न्यू वैष्णव प्रसादम रेसिपी में है, मम्मी नहीं नहीं आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या दिखाएंगे। सोचो सोचो और गैस करके बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्त वृंद की जय।